फ्रेंड्स, समिट नर्स के पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड के अंदर डेफिनेट आर्टिकल के जो 20 इंपोर्टेंट करेक्ट यूजेस थे उनको सीखा, और आज फिर से हम डिटर्मिनर्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसके डिटर्मिनर्स पार्ट थर्ड के अंदर जो इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए और एन आर्टिकल, इसको सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इंडेफिनेट आर्टिकल के करेक्ट यूजेस को स्टार्ट करने से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट तीन बातें हैं उनको हम जानते हैं, और वो क्या क्या बातें हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होती है। नंबर सेकंड, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज एक सेंटेंस के अंदर किस वे में या किस मीनिंग के आधार पर किया जाता है। नंबर थर्ड, कि इंडेफिनेट आर्टिकल का जो प्लेस है सेंटेंस के अंदर वो कहाँ होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल सेंटेंस के अंदर कहाँ यूज की जाती है। और इन तीनों चीज़ों को हम तीन पॉइंट्स बनाकर यहाँ पर क्लियर करने वाले। तो स्टूडेंट, इंडेफिनेट आर्टिकल को समझने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट हमारे दिमाग में आता है वो क्या आता है, कि व्हाट इज द इंडेफिनेट आर्टिकल, कि इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होती है। इसको हम यहां लिख देते हैं, क्या लिखा, व्हाट इज द इंडेफिनेट आर्टिकल। क्लियर। अब बात करते हैं कि इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होती है। तो देखें, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है ए और एन, तो इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, ए और एन इज द इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन क्या होती है, इंडेफिनेट आर्टिकल होती है। और इसी से रिलेटेड एक बात और हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या बात है कि इंडेफिनेट आर्टिकल को इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों बोला जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान से सुने, इंडेफिनेट आर्टिकल जो क्या होते हैं, ए और एन, इनका जो मतलब होता है वो क्या होता है, एक या फिर कोई। एक या कोई के अर्थ में इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। अब बात आते हैं इनको इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज ऐसे नाउन से पहले किया जाता है जो नॉन स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, जिससे किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर प्लेस का पता नहीं चलता। अब क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग का पता नहीं चलता, तो नाउन हम क्या कह सकते हैं, अनसर्टेन या इंडेफिनेट कह सकते हैं। और अगर नाउन आपका क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, उससे एक रियल मीनिंग का, एक पर्टिकुलर मीनिंग का हमें पता नहीं चल रहा, तो उससे पहले आने वाली आर्टिकल भी क्या कहलाएगी, इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाएगी। इसलिए जो अपनी आर्टिकल हैं ए और एन, ये क्या कहलाती है, इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाती है। अब नंबर सेकंड पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट में हम क्या सीखने वाले हैं, कि इनडेफिनेट आर्टिकल का जो यूज होता है वो किस मीनिंग के आधार पर, किस वे के आधार पर सेंटेंस के अंदर होता है। तो देखिए, सेकंड पॉइंट अपना क्या है, इन विच वे द इंडेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड, इन विच वे द इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज इन अ सेंटेंस, कि सेंटेंस के अंदर इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज कैसे होता है। तो देखें यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, द इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड इन अ सेंटेंस इन अ जनरल वे, इन अ जनरल वे। इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज एक सेंटेंस के अंदर एक जनरल वे के आधार पर किया जाता है, जनरल मीनिंग के आधार पर किया जाता है। अब बात आती है कि ये जनरल वे क्या है, जनरल मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट सुने ध्यान से, कि जनरल वे का मतलब यहां पर क्या है, कि इंडेफिनेट आर्टिकल जिसका अर्थ क्या है, एक, सबसे पहली बात तो किस अर्थ में यूज किया जाएगा, एक या कोई के अर्थ में यूज किया जाएगा।
और इनका जो यूज होता है सेंटेंस के अंदर वो जनरल वे के आधार पर होता है, पर्टिकुलर वे के आधार पर नहीं होता, क्योंकि जिस नाउन से पहले यूज की जाएंगी उस नाउन का हमें पता नहीं चलता, उसके पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग का पता नहीं चलता, वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। और उसको क्या बोला जाता है, नॉन स्पेसिफिक बोला जाता है। अब क्योंकि नाउन का यूज पर्टिकुलर या स्पेसिफिक तरीके से नहीं हो रहा है, और इससे पहले जो आर्टिकल आएगी वो भी क्या आएगी, नॉन पर्टिकुलर, नॉन स्पेसिफिक, या कह सकते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल आएगी। और इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है, ए और एन, क्लियर। तो सेंटेंस के अंदर जो अपनी ए और एन आर्टिकल है वो जनरल वे के आधार पर यूज की जाएगी, न कि पर्टिकुलर वे के आधार पर यूज की जाएगी। और किस अर्थ के अंदर, एक या कोई के अर्थ के अंदर, कि जब भी किसी इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होगा, नॉन स्पेसिफिक होगा, उससे पहले हमने आर्टिकल ए और एन का यूज करना पड़ेगा, तो उस आर्टिकल ए और एन का यूज काफी जनरल और सेम निकलेगा, और वो क्या निकलेगा, एक या कोई। एक या कोई के अर्थ में हमने किसी सिंगुलर काउंटेबल नॉन स्पेसिफिक नाउन से पहले ए और एन आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो अब आगे हम बढ़ते नंबर थर्ड, और नंबर थर्ड यहां पर हमने रखा आर्टिकल ए और एन का यूज कहां पर किया जाएगा, सेंटेंस के अंदर इसका प्लेस क्या होगा। तो देखें, ऑन व्हाट प्लेस द इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड, कि सेंटेंस के अंदर इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किस स्थान पर होता है। तो शायद आपको पता चल गया होगा, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं, द इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर a non-specific singular, ध्यान दें कि जिस नाउन से पहले हमने ए और एन आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, कि वो गिनती में क्या है, एक आए। तो हमने क्या समझा कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल उसका प्लेस सेंटेंस के अंदर कहाँ होगा, ऐसे नॉन स्पेसिफिक नाउन से पहले होगा जो क्या होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे। और नॉन स्पेसिफिक नाउन आप क्या समझ सकते हैं, ऐसे नाउन जिससे किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग का पता नहीं चलता, वो अनसर्टेन होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, या कह सकते हैं इंडेफिनेट होते हैं, क्योंकि एक निश्चित पर्सन या प्लेस के बारे में पता नहीं चलता, क्लियर। इसीलिए तो हम इस आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल का इंडेफिनेट नाउन के साथ यूज करते हैं, नॉन स्पेसिफिक नाउन के साथ यूज करते हैं। तो यहां पर हमने जाना कि इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज हमने नॉन स्पेसिफिक और गिनती में क्या हो, ए को, ऐसे नाउन से पहले करना पड़ता है, क्लियर। अब तीनों चीजों का हमने जान लिया कि व्हाट इज द इंडेफिनेट आर्टिकल, इसके साथ साथ ये भी जाना कि इंडेफिनेट आर्टिकल को इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं। नंबर सेकेंड, इन विच वे द इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज, क्या समझ में आया कि इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज एक सेंटेंस के अंदर किस वे के अनुसार, किस मीनिंग के अनुसार किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, जनरल वे के अनुसार किया जाता है। जनरल वे क्या होता है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था, क्लियर। नंबर थर्ड बात आती है, ऑन व्हाट प्लेस द इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज, तो यहाँ पर हमने जाना कि इंडेफिनेट आर्टिकल का जो यूज है वो कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, बिफोर नॉन स्पेसिफिक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सेंटेंस के अंदर ऐसे नाउन जो कि नॉन स्पेसिफिक होंगे और गिनती में क्या होंगे, एक होंगे, और उनसे किसी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस या थिंग का पता नहीं चलेगा, ऐसे नाउन से पहले किसका यूज करेंगे हम, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। दिस सेंस इंडेफिनेट आर्टिकल्स रिलेटेड जो तीनों चीजें अभी अभी हमने पढ़ी, इनको मैं एक लाइन में एक डेफिनेशन के अनुसार लिख देता हूं। देखें अब इन तीनों चीजों को मैं कैसे लिखूंगा, द इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड
इन अ जनरल वे बिफोर अ नॉन स्पेसिफिक सिंगुलर काउंटेबल नाउन की इंडेफिनेट आर्टिकल जो क्या होती है ए और एन, इसका यूज किया जाता है किसके अर्थ के आधार पर, किस मीनिंग के या किस वे के आधार पर, जनरल वे के आधार पर, और किससे पहले, बिफोर अ नॉन स्पेसिफिक सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और इस लाइन को, इस डेफिनेशन को मैंने इन्हीं तीनों पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, अब इन्हीं बातों को जानने के लिए मैं एक यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, और उस एग्जाम्पल को क्लियर करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होती है, इनको इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों बोला जाता है, दूसरा किस वे में इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है, नंबर थर्ड कहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। हालांकि मैंने यहां पर लिख रखा है, लेकिन जब हम एग्जांपल को क्लियर करेंगे तो और भी अच्छी तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। देखें एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल काफी छोटा है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा, दिस इज ब्लैंक रिवर, मैंने लिखा दिस इज ब्लैंक रिवर। अब देखो यहाँ पर नदी तो है, और वो भी क्या, एक से ज्यादा नहीं है, रिवर्स नहीं है, सिर्फ क्या है, रिवर है। अब उसने यहाँ पर नदी के बारे में तो बता दिया, लेकिन कौन सी नदी है, इस पर्टिकुलर थिंग को, इस पर्टिकुलर मीनिंग को यहाँ पर नहीं बताया गया है, क्लियर। इसलिए ये जो अपना नाउन है वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, नॉन सर्टेन है। हमें ये क्लियर नहीं होता कि जो नदी है वो कौन सी नदी, उस नदी का नाम क्या है, एक निश्चित नदी के बारे में हमें पता नहीं चलता, इसलिए ये रिवर क्या बनेगा, नॉन स्पेसिफिक नाउन बनेगा। अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि आपका नाउन नॉन स्पेसिफिक है, और गिनती में क्या है, वो एक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो उससे पहले हमने किस आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, बताओ, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी जो आर्टिकल अपनी द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, उसमें हमने अलग अलग चीजों को पढ़ा, कहीं पे यूनिक ऑब्जेक्ट्स के नाम से पहले, कहीं पर ओशियन, सीज, रिवर्स, डेजर्ट्स के नाम से पहले, अंडरस्टैंड, कहीं पर प्लूरल नेम कंट्रीज के नाम से पहले। तो वो किसी पर्टिकुलर थिंग को, पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर प्लेस के बारे में कोई चीज बता रही थी, इसलिए वहां पर हमने किसका यूज किया, द आर्टिकल का यूज किया। अब बात करते हैं जनरल वे की, तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज जनरल वे के तरीके से किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने उस रिवर को क्या दिखाना है, एक दिखाना, और मैंने बताया एक ही जनरल वे, एक ही जनरल मीनिंग, कि जहाँ पर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को क्या दिखाना पड़े, एक या कोई दिखाना पड़े, वहाँ पर किस वे के आधार पर, किस मीनिंग के आधार पर हमने ए और एन आर्टिकल का यूज करना है, एक या कोई के अर्थ के आधार पर हमने इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज करना पड़ेगा, क्लियर। और जनरल वे क्या है, कि ये किसी स्पेसिफिक नाउन से पहले यूज नहीं हो रही, इसलिए नाउन भी क्या है, नॉन स्पेसिफिक, अंडरस्टैंड। और हमने जो आर्टिकल अपनी, ये भी क्या रहेगी, नॉन स्पेसिफिक, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल। तो क्लियर हो गया कि नाउन नॉन स्पेसिफिक, नॉन सर्टेन, और यहाँ पर क्या है, डेफिनेट नाउन नहीं है, निश्चित या पर्टिकुलर पर्सन प्लेस या थिंग का पता नहीं चलता, तो बच क्या गई, नॉन स्पेसिफिक नाउन के लिए इनडेफिनेट आर्टिकल, और वो इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होती है, ए और एन आर्टिकल, क्लियर। तो यहाँ पर मैं रिवर के साथ या तो ए लगाऊंगा या क्या लगाऊंगा, एन, क्योंकि नदी तो है, लेकिन कौन सी नदी है, गंगा, यमुना, अंडरस्टैंड, ऐसा मुझे निश्चित जो मीनिंग है वो पता नहीं चला। अब मैंने यहाँ पर क्या लगाना है, ए या एन, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ए आर्टिकल लगाना पड़ेगा, क्लियर। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, दिस इज अ रिवर, कि ये एक नदी है, नदी तो है, मैंने बोल दिया दिस इज अ रिवर, लेकिन क्या आपको पता चल रहा है कि कौन सी नदी है, नहीं पता चल रहा ना, तो यही क्या है, नॉन स्पेसिफिक, नॉन सर्टेन, या आप कह सकते हैं इनडेफिनेट, क्लियर। तो आपका जो नाउन भी क्या है, इनडेफिनेट, तो आपने इस नाउन से पहले भी किसका यूज करना पड़ेगा, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, क्लियर। जो लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इसी से रिलेटेड ए और एन आर्टिकल से रिलेटेड जो इसके करेक्ट यूजेज हैं, काफी इंपॉर्टेंट करेक्ट यूजेज हैं, उनको पढ़ने वाले, और उनको पढ़ने के बाद हम किसी भी सेंटेंस में जहां पर हमने इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और स्टूडेंट, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं
हूँ कि जो कन्फ्यूजन अब हमारे दिमाग में आएगा वो क्या होगा कि मैं किसी सेंटेंस के अंदर जहाँ पर मेरे को ए और एन का यूज़ करना है वहाँ पर मैं ए का यूज़ करूँ या फिर एन का यूज़ करूँ। तो स्टूडेंट्स ये जो कन्फ्यूजन है अपने आप क्लियर हो जाएगा जब आप किसके बारे में पढ़ेंगे, किसको सीखेंगे, इसके करेक्ट यूजेज को सीखेंगे, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपने ए आर्टिकल का यूज़ करना है उस नाउन से पहले या फिर एन आर्टिकल का यूज़ करना है उस नाउन से पहले। क्लियर? तो आओ अब चलते हैं हम किसको पढ़ने, करेक्ट यूजेज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल को पढ़ने। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले करेक्ट यूजेज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। और जैसे कि हमने अभी यहाँ पर जाना कि इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम इंडेफिनेट आर्टिकल के जो करेक्ट यूजेज हैं उनको साउंड के आधार पर लेंगे। किसके आधार पर लेंगे? साउंड के आधार पर, न कि जो 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के अंदर उनके लेटर के ऊपर लेंगे। इससे पहले शायद आपने इंडेफिनेट आर्टिकल को जो अल्फाबेट के 26 लेटर होते हैं जिनमें से 5 लेटर्स क्या होते हैं वॉवल होते हैं और 21 लेटर्स क्या होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, इनके आधार पर आपने इंडेफिनेट आर्टिकल को पढ़ा होगा। लेकिन अब इससे बिल्कुल ऑपोजिट हम पढ़ने वाले, हम लेटर्स पर नहीं जाएंगे, लेटर्स पर डिपेंड नहीं करेंगे, हम किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? साउंड के ऊपर, कि जो नाउन होगा उसकी जो साउंड निकलेगी स्टार्टिंग वो वॉवल की साउंड होगी या फिर कॉन्सोनेंट की साउंड होगी। वॉवल का लेटर या कॉन्सोनेंट का लेटर नहीं होगा, वॉवल की साउंड होगी या फिर कॉन्सोनेंट की साउंड होगी। साउंड के ऊपर ही हम किसका यूज करेंगे? इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा यहां पर यूजेज है वो आप देखें, नंबर फर्स्ट एन आर्टिकल इज यूज्ड before a noun that starts from vowel sound, कि ऐसे नाउन से पहले हमने इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर एन आर्टिकल का यूज करना है जिस नाउन का जो साउंड हो किससे निकले, वॉवल साउंड से निकले। क्लियर? किससे निकले? वॉवल साउंड से निकले। और स्टूडेंट इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए, इस रूल को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम हिंदी का जो वॉवल साउंड होते हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। हिंदी के वॉवल साउंड क्या होते हैं? ए आ ई एक्सेट्रा, जितने भी हिंदी के वॉवल साउंड हैं इनकी हेल्प से हम किसको क्लियर कर सकते हैं? अपने पहले इस यूजेज को, पहले इस रूल को क्लियर कर सकते हैं। कैसे? हमने क्या जानना है कि जब किसी नाउन से पहले हमने ए और एन आर्टिकल का यूज करना है और जब उस नाउन का हम क्या करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, उसका उच्चारण निकालेंगे, और अगर वो हिंदी के किसी एक भी वोल साउंड से निकलता है, ए आ ई एक्सेट्रा से निकलता है, तो उस नाउन से पहले किसका यूज करना पड़ेगा? एन आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। और इसी बात को हम एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया, सी डेली Eats blank apple. देखिए एप्पल एक है और एक को बताने के लिए मैंने यहाँ पर किसका यूज करना है? या तो ए का या फिर एन का। स्टूडेंट अब बात आती इस नाउन के प्रोनाउंसिएशन के ऊपर कि इस नाउन को कैसे बोला जाएगा और इसकी जो साउंड है वो हिंदी के वॉल से या हिंदी के कॉन्सोनेंट से निकलती है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने इसको लिख भी लिया, इसको अच्छी तरीके समझाने के लिए मैंने लिखा एप्पल। अब मेरे को इससे तो कुछ नहीं लेना देना, मेरे को यहाँ पर देखना है ए, क्या देखना है ए। अब देखिए स्टूडेंट्स काफ़ी इजी इसको हम समझ सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने एप्पल लिखा हो इसको जब मैंने प्रोनाउंस किया तो यहाँ पर क्या निकला, स्टार्ट में ए निकला और ये ए हिंदी के वॉवल साउंड से क्या करता है, मैच करता है। और यहाँ पर जब हम इसको हिंदी की वॉवल साउंड को बोलेंगे ए आ ई ऊ ए, तो यहाँ पर क्या आ गया हिंदी का वॉवल साउंड, ए आ गया। तो ए भी क्या है, हिंदी का वॉवल साउंड है और हिंदी का वॉवल साउंड है, तो यहाँ पर हमने किसका यूज करना पड़ेगा? ए और एन आर्टिकल में से एन आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पर किसका यूज करूंगा? ए और एन में से एन आर्टिकल का यूज करूंगा। क्लियर? कि जिस नाउन से पहले हमने ए और एन आर्टिकल का यूज करना है और उस नाउन का जो स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन है वो किससे निकलते हैं, हिंदी के वॉवल साउंड से निकलते हैं, तो उससे पहले हमने एन आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं यूजेज नंबर सेकंड को देखें।
ये इससे थोड़ा ऑपोजिट है। ए आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर, अब यहां पर तो हिंदी वॉवल साउंड को लिया था हमने, यहां पर किसको लेंगे, हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड को, समझ में आ गया। इज यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम कॉन्सोनेंट साउंड, क्लियर। अब यहां पर हमने जाना कि जो ए आर्टिकल है इसका यूज एक सेंटेंस के अंदर कहां पर होता है, ऐसे नाउन से पहले होता है जिसका हम स्टार्टिंग में प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो उसका प्रोनाउंसिएशन किससे निकलता है, कॉन्सोनेंट से निकलता है, कॉन्सोनेंट साउंड से निकलता है। और यहाँ पर भी हम हिंदी का जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसको इसके साथ अटैच कर सकते हैं, इसके साथ जोड़ सकते हैं। और हिंदी के जो कॉन्सोनेंट साउंड हैं वो क्या होती हैं, क, ख, ग, घ एक्सेट्रा। तो अगर किसी नाउन का स्टार्टिंग साउंड इनमें से किसी कॉन्सोनेंट साउंड, हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड से मैच करते हैं, तो उस नाउन से पहले हमने किसका यूज करना पड़ेगा, ए आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, क्लियर। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उस एग्जांपल को सीखने के बाद, समझने के बाद, ये जो हमारा आर्टिकल का नंबर सेकंड यूजेज है ए आर्टिकल को यूज करना, वो बिल्कुल अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। देखें एग्जांपल क्या है, मोहित डेली ईट्स, और यहां मैंने लिख दिया क्या, बनाना, क्या लिख दिया, बनाना, क्लियर। और मुझे आर्टिकल क्या लिखनी है, ए और एन, इनमें से कोई एक। अब मैंने इस नाउन पर जाना है, इस नाउन को प्रोनाउंस करना है, और जब मैं इसको प्रोनाउंस करूंगा तो क्या निकलेगा, ये देखिए, बनाना। अब नाना से यहां पर हमें कोई काम नहीं है, हम किससे लेते हैं, वैसे, क्लियर। अब ये बै क्या है, हिंदी का कॉन्सोनेंट साउंड है या नहीं है, है ना। जब क, ख, ग, घ इनको आगे तक हम पढ़ेंगे, हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड को आगे तक हम पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट इसमें जो अपना साउंड निकलेगा बै, ये उसे मैच खाएगा, क्लियर। और यहाँ पर क्योंकि इसका हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड है, हिंदी वॉवल साउंड नहीं है या वॉवल साउंड नहीं है, तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, ए आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर बनाना से पहले क्या लिख देता हूँ, ए, क्लियर। तो अब हमने इस एग्जांपल से और इस यूजेज से क्या सीखा कि अगर किसी नाउन का स्टार्टिंग जो साउंड वो किससे निकलती है, हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड से निकलती है, किससे निकलती है, हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे क, ख, ग, घ एक्सेट्रा आगे तक, अंडरस्टैंड, इनसे अगर निकलती है तो उस नाउन से पहले क्या लगेगा, ए आर्टिकल का यूज किया जाएगा, क्लियर। मुझे लगता है कि आपको ये यूज भी अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब इन दो रूल से हटकर रूल नंबर थर्ड हम पढ़ने वाले हैं, वो थोड़ा इनसे क्या होगा, अलग होगा। देखिए वो क्या होगा, रूल नंबर थ्री, यूजेज नंबर थ्री, बिफोर सिंगुलर सरनेम। अब देखिए डेफिनेट आर्टिकल जो अपनी द आर्टिकल थी उसमें हमने पढ़ा था प्लूरल सरनेम, और यहाँ पर बात करें किसकी, सिंगुलर सरनेम। और सरनेम मैंने आपको बताया था, शर्मा, वर्मा, ये सारे के सारे क्या हैं, सरनेम है। और यहाँ पर बात करें इनमें से किसकी, सिंगुलर सरनेम की, ना कि गुप्ताज, ना कि शर्माज, किसकी, शर्मा, गुप्ता, वर्मा, यादव, अंडरस्टैंड, इनकी हम बात करेंगे। तो किस आर्टिकल का यूज किया जाएगा, देखें, ओनली ए आर्टिकल इज यूज, किसका यूज किया जाएगा, ए आर्टिकल का यूज किया जाएगा, किससे पहले, बिफोर सिंगुलर सरनेम। अब यहां पर हमने समझा कि जो ए आर्टिकल है उसका यूज किससे पहले किया जाता है, सिंगुलर सरनेम से पहले किया जाता है। और यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखें एग्जांपल क्या है, अ मिस्टर शर्मा इज वेटिंग यू एट योर होम।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लगा, ए आर्टिकल। और मैंने बताया कि जो ये सरनेम होंगे, जैसे शर्मा, यादव, गुप्ता, भारद्वाज, और ये सिंगुलर में जब होंगे तो उनके साथ किसका यूज किया जाएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल में से ए आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अब बात आती है कि सर ए आर्टिकल का यूज क्यों किया जाएगा, एन आर्टिकल का यूज क्यों नहीं करते, तो देखें यहाँ पर जो हमने ए आर्टिकल का यूज किया है वो किससे पहले किया है, मिस्टर शर्मा से पहले किया गया है। और शर्मा जो यहाँ पर सरनेम है उससे पहले हमने यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, मिस्टर, मिस, मिसिज। तो यहाँ पर जो इसकी साउंड निकलेगी वो क्या निकलेगी, मैं, क्या निकलेगी, मैं। इससे पहले तो हमने आर्टिकल का यूज करना है, नहीं कि शर्मा, वर्मा, कर्मा, अंडरस्टैंड, इससे पहले, क्योंकि इससे पहले जस्ट क्या आएगा, या तो मिस्टर आएगा या मिस आएगा, क्या आएगा, मिसिज आएगा। तो यहाँ पर साउंड क्या निकलेगी, मैं निकलेगी, चाहे मिस्टर बोले, मिस बोले या मिसिज बोले, तो मैं निकलेगी। तो ये कौन सा साउंड है, हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड। और हमने यूज किसका करना पड़ता है ना आर्टिकल का, किसके साथ, हिंदी वॉल साउंड के साथ। तो यहाँ पर हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगा वो क्या है, मैं। और इससे पहले किसका यूज किया जाएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल में से सिर्फ और सिर्फ ए आर्टिकल का यूज किया जाएगा। और एक बात और बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमने सरनेम की तो बात की, लेकिन एक बात और जुड़ती है कि जिस शर्मा की वो बात करता है बोलने वाला, वो उस व्यक्ति को, उस शर्मा को नहीं जानता, सिर्फ उसके सरनेम को जानता, उसके रियल नेम को नहीं जानता। तो वह व्यक्ति जिसको हमने क्या बोला, शर्मा, वो उस व्यक्ति से जो स्पीकर है बता रहा है कि मिस्टर शर्मा इज वेटिंग यू एट योर होम, इससे क्या है, अनजान है। और अनजान दिखाने के लिए, कोई दिखाने के लिए यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। क्लियर। अब आगे हम पढ़ते हैं यूजेज नंबर 4 को। दिस सेंस अब हम पढ़ने वाले यूजेज नंबर 4 को। यूजेज नंबर 4 जो डिपेंड करता है वो करते हैं किसके ऊपर, ऐसे नाउंस के ऊपर जिसका जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है, एच होता है। लेकिन एच को क्या माना जाता है, साइलेंट माना जाता है। लेकिन उसको जब प्रोनाउंस करेंगे हम, उसका जब उच्चारण करेंगे हम, तो उसका जो उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन क्या निकलेगा, वोवल साउंड निकलेगा। क्या निकलेगा, वोवल साउंड निकलेगा। तो आपने पता है कि अगर किसी नाउन को प्रोनाउंस करने पर उसका साउंड वोवल साउंड निकलता है, तो हमने किस आर्टिकल का यूज करना पड़ता है, एन आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। और वो कौन कौन से नाउन्स हैं, उनको हम इस यूजेज नंबर 4 में जानने वाले। तो देखिए यूजेज नंबर 4, बिफोर, एच, साइलेंट nouns which produce vowel sound only an article is used। क्या समझ में आया कि ऐसे नाउंस जिनके स्टार्ट में क्या आता है, एच आता है, लेकिन एच को क्या माना जाता है, साइलेंट, लेकिन उनका जो साउंड निकलेगा वो क्या निकलता है, वोवल साउंड निकलता है। क्या निकलता है, वोवल साउंड निकलता है। तो ऐसे नाउन से पहले किसका यूज किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अब जानते कि कौन कौन से ऐसे नाउंस हैं जिनका जो स्टार्ट एच से होता है और एच को क्या माना जाता है, साइलेंट माना जाता है, और उनका साउंड भी किससे निकलता है, वोवल साउंड से निकलता है। तो देखें यहाँ पर कुछ एक नाउंस हैं, जैसे सच एज ऑनेस्ट, ऑनरेबल, आवर, एयर, एरेस, एक्सेट्रा। क्लियर। तो देखिए इन सभी नाउंस में जो पहला जो लेटर आ रहा है वो क्या है, एच, उसको क्या माना जाएगा, साइलेंट माना जाएगा। लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे तो उनका साउंड क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, वोवल साउंड निकलेगा। और वोवल साउंड है तो किसका यूज किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। यहाँ पर दो जो नाउन लिखे देखें, एयर और दूसरा एयरेस, तो इसका मतलब तो क्या है, उत्तराधिकारी मेल, और इसका मतलब क्या है, उत्तराधिकारी, लेकिन किसके लिए, फीमेल के लिए। क्लियर। बाकी के बारे में आपको पता है, ऑनेस्ट क्या होता है, ऑनरेबल क्या होता है, और आवर क्या होता है। क्लियर। अब इसी के लिए हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, और एग्जांपल लिखने के बाद हमें ये रूल नंबर 4 अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखें एग्जाम्पल क्या है, यस्टरडे सी
केम इन स्कूल, और यहाँ मैं लिख दिया क्या आवर, आवर आ, आवर लेट, तो क्या निकल रहा है इसका साउंड आवर, एच क्या है साइलेंट और बाद में चलेगा ओ यू आर, तो इसका जो प्रोनाउंस निकलेगा वो क्या निकलेगा आवर, अंडरस्टैंड। और आ क्या है हिंदी वोवल साउंड, तो किसका यूज किया जाएगा एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया एन आर्टिकल को यूज कर दिया। क्लियर, देखते हैं यूज नंबर फाइव, और ये यूज नंबर फाइव होने वाला है अब्रिविएशंस ऑफ दी नाउंस, ऐसे नाउंस जिनको किस में लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा जाता है, और अगर उस नाउन की शॉर्ट फॉर्म को प्रोनाउंस किया जाता है और जो साउंड निकलती है वोवल साउंड, तो एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा, और अगर साउंड निकलती है किससे कॉन्सोनेंट साउंड से, तो किसका प्रयोग किया जाएगा ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यूज नंबर फाइव, बिफोर abbreviations of some nouns indefinite article is used according to the sound। क्या बात है कि कुछ एक जो नाउन्स है वो अब्रिविएशंस में लिखे होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स में लिखे होते हैं, उनसे पहले किसका यूज किया जाएगा इनडेफिनिट आर्टिकल, और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या या तो ए या फिर एन। क्लियर, और किसके आधार पर किया जाएगा इसका यूज ए और एन का, उनके साउंड के आधार। देखिए ए आर्टिकल का यूज होगा या एन आर्टिकल का यूज होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस नाउन के साउंड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन किससे निकलता है वोवल साउंड से निकलता है, तो किसका यूज किया जाएगा एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन किससे निकलता है कॉन्सोनेंट साउंड से निकलता है, तो किसका यूज किया जाएगा ए आर्टिकल का यूज किया जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स वाले नाउन्स का, जिससे पहले हमने इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन आर्टिकल का यूज करना है। क्लियर, और फ्रेंड्स ध्यान दें वो शॉर्ट फॉर्म या अब्रिविएशन भी किस में होने चाहिए सिंगुलर में होने चाहिए, ना कि किस में होने चाहिए प्लूरल में होने चाहिए। क्लियर, तो देखें एग्जाम्पल क्या है, माई ब्रदर इज, और मैंने यहाँ पर लिख दिया एम ए, एम ए का मतलब क्या मास्टर ऑफ आर्ट। क्लियर, डिग्री है ये कौन सी मास्टर ऑफ आर्ट, जो बीए के बाद में हमें मिलती है। क्लियर, और यहाँ पर मैंने दे दिया ए और एन आर्टिकल, इनमें से किसी एक आर्टिकल का यूज करना है। एम ए इसको प्रोनाउंस करते हैं एम, और यहाँ लिख देता हूँ ए, ए मेरे काम का नहीं, मैं मेरे काम का नहीं, बच गया क्या ए, और ए हमने अभी अभी पढ़ा था पहले एप्पल में, अंडरस्टैंड ए आया था, और यहाँ भी क्या आ रहा है ए आ रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर जो ए है ये किसको निकालता है वोवल साउंड को निकालता है, और वोवल साउंड को निकालता है तो किसका यूज किया जाएगा बताओ एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा एन एम ए, क्या लगा दूंगा एन आर्टिकल, और फिर हम बोलेंगे इसको कैसे माई ब्रदर इज एन एम ए। देखें काफी ऐसे नाउंस होते हैं, जैसे इसी नाउंस को आप ले सकते हैं, यहाँ पर क्या निकल रहा है एम, तो एम तो क्या है अल्फाबेट के अंदर, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर एम क्या है कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर इसकी साउंड क्या निकल रही है हिंदी की वोवल साउंड निकल रही है, तो हमने किसके ऊपर जाना है लेटर के ऊपर नहीं जाना है, किसके ऊपर जाना है साउंड के ऊपर, तो साउंड किसके निकल रही है हिंदी की वोवल साउंड जो कि क्या है ए, तो किसका यूज किया जाएगा वोवल साउंड के साथ, और सिर्फ एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। क्लियर, इसलिए हमने किसके ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता लेटर के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, हम सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेंगे इस इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के लिए, किसके ऊपर वोवल या कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर। बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, नंबर सेकेंड एग्जाम्पल इसी का, माई सिस्टर इज, और मैंने यहाँ पर लिख दिया बी ए, क्या लिख दिया बी ए, अब मैंने यहाँ भी किसका यूज करना है या तो फिर ए का या फिर किसका यूज करना है एन आर्टिकल का, और यहाँ पर इसको प्रोनाउंस जब मैं करूँगा तो क्या निकलेगा बी ए। अब बै, बै क्या है
कॉन्सनेंट साउंड है, अंडरस्टैंड? क्या निकल रहा है? बी ए, तो क्या निकल रहा है यहाँ पे? बै क्या है? कॉन्सनेंट साउंड है, और कॉन्सनेंट साउंड है तो किसका यूज किया जाएगा? ए आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो किसका यूज कर दिया मैंने? ए आर्टिकल का। क्लियर? अब आगे चलते हैं यूजेज नंबर 6 के ऊपर। किसके ऊपर? यूजेज नंबर 6 के ऊपर, और इसमें हम पढ़ेंगे बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन विच शोज अ होल क्लास इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड। क्या मतलब हुआ? ऐसा सिंगुलर कॉमन नाउन जो एक होते हुए भी किसके बारे में बताएं? अपनी पूरे के पूरे क्लास के बारे में बताएं, सबको बताएं, अंडरस्टैंड? तो उसके लिए किसका यूज करेंगे हम? ए और एन आर्टिकल का यूज करेंगे। डिपेंड करता है बिल्कुल इसी के तरह किसके ऊपर? साउंड के ऊपर। अगर साउंड निकलता है कौन सा? वोवल साउंड, तो किसका यूज करेंगे हम? एन आर्टिकल का। और अगर साउंड निकलता है किसका? कॉन्सोनेंट साउंड का, तो हम किसका यूज करेंगे? ए आर्टिकल का यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, और एग्जाम्पल के साथ साथ हम इस यूज को क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। देखें, मैंने यहां पर लिखा डॉग बार्क्स, कि कुत्ता भौंकता है, और मुझे यहां पर जैसे दिया गया ए और एन आर्टिकल। तो देखें, डॉग डे निकल रहा है, तो हमने एन आर्टिकल तो यूज करने नहीं है। क्या निकल रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, तो क्या लगाएंगे? ए आर्टिकल लगाएंगे। अब ए आर्टिकल लगा दे, और इसका मैं मीनिंग निकालता हूं सेंटेंस का। अ डॉग बार्क्स, क्या बोला मैंने? कि एक कुत्ता भौंकता है। अब देखें, क्या एक ही कुत्ता भौंकता है? नहीं, सबके सब जितने भी कुत्ते होते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है, उनका ये फीचर होता है, वो क्या करते हैं? भौंकते हैं, बार्क करते हैं। तो सिर्फ एक ही कुत्ता नहीं भौंकता, सबके सब कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? या तो ए आर्टिकल का या फिर एन आर्टिकल का। और यहां पर क्या था? डॉग, तो मैंने किसको यूज किया? ए आर्टिकल को। और बात क्या पता चली इस यूजेज के अंदर? कि एक ही सिंगुलर कॉमन नाउन से सारे के सारे, सब के सब, जो इसके साथी, इसकी जो कैटेगरी के अंदर है, उनका पता चल जाता है। क्लियर? तो सभी कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं। लेकिन बताया किसने? एक डॉग ने। और हमने क्या लिखा? अ डॉग बार्क्स। इसी यूजेज का एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, यूजेज नंबर जो 6 है इसका एग्जाम्पल नंबर 2। और यहां मैंने लिखा क्या? एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। क्लियर? अब यहां पर मैंने क्या निकाला? एलिफेंट, एलिफेंट। क्लियर? ए क्या है? वॉवल साउंड, तो किसका यूज किया जाएगा? ए और एन में से कर दिया हमने किसका? एन का यूज। लेकिन जब हम इस सेंटेंस का मीनिंग निकालेंगे तो क्या निकलेगा? देखें, एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, कि जो एलिफेंट है, एक एलिफेंट वो क्या होता है? एक बड़ा एनिमल होता है। लेकिन सिर्फ क्या एक एलिफेंट बड़ा एनिमल होता है? नहीं, सारे के सारे जितने भी एलिफेंट हो क्या होते हैं? बहुत बड़े एनिमल होते हैं। लेकिन एक से किसका पता चल गया? सबका पता चल गया, सभी एलिफेंट का पता चल गया। इसके लिए हमने किसका यूज करना पड़ेगा? इंडेफिनेट आर्टिकल, या तो ए या फिर एन आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? साउंड के ऊपर। यहाँ पर थी कॉन्सोनेंट साउंड, तो मैंने क्या लगाया? ए आर्टिकल। यहाँ पर थी कौन सी साउंड? वॉवल साउंड, तो मैंने क्या लगाया? एन आर्टिकल। क्लियर? अब पढ़ते हैं यूजेज नंबर 7 को। डिफरेंस यूजेज नंबर 7 बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। ऐसे प्रॉपर नाउन से पहले जिसका यूज सेंटेंस के अंदर एक कॉमन नाउन की तरह किया गया है,
किसका यूज़ किया जाएगा? इनडेफिनेट आर्टिकल, और वो डिपेंड करेगा साउंड के ऊपर, ए आर्टिकल आएगी या एन ए आर्टिकल। सपोज करके कोई लड़का सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है और हम बोलते हैं कि वो लड़का कौन है? सचिन तेंदुलकर है। इट मीन्स कि सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है, सचिन तेंदुलकर की जैसे ही वो बैटिंग करता है, क्लियर? तो हम उसको एक नाम देते हैं, क्या देते हैं? तेंदुलकर। अब यहाँ पर तेंदुलकर तो क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन बात आती कि तेंदुलकर के जैसे बिल्कुल उसकी तरह खेलने वाले बहुत से व्यक्ति हैं, बहुत से लड़के हैं, तो यहाँ पर बहुत से एक जैसे, अंडरस्टैंड और नॉट? तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन को क्या बना दिया? कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन की तरह यहाँ पर यूज किया गया। तो किसका यूज किया जाएगा? इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाएगा, और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होगी? या तो ए या फिर एन, और ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? उनके साउंड के ऊपर। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए एग्जाम्पल क्या है, ही इज, और मैंने यहाँ लिख दिया तेंदुलकर। अब तेंदुलकर तो क्या है, प्रॉपर नाउन, लेकिन बात आ रही कि वह कैसे खेलता है, तेंदुलकर की तरह खेलता है, इसलिए उसी का नाम क्या रख दिया? तेंदुलकर रख दिया। लेकिन क्या वो तेंदुलकर है? नहीं है, वो तेंदुलकर की तरह खेलने वाले एक लड़का है जिसको किस नाम से पुकारा जाता है? तेंदुलकर के नाम से पुकारा जाता है। और बात आती है तेंदुलकर प्रॉपर नाउन, लेकिन तेंदुलकर की तरह ही खेलने वाले उसी के जैसे क्या है? बहुत से लड़के हैं, बहुत से व्यक्ति है, इसलिए तेंदुलकर प्रॉपर नाउन को किस कैटेगरी में रख दिया? यहाँ पर कॉमन कैटेगरी में रख दिया, और एक कॉमन नाउन की तरह इसका यूज किया गया। तो किसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। या तो हम क्या लगाएंगे? ए, या फिर क्या लगाएंगे? एन। तो यहाँ पर निकल रहा है तेंदुलकर, और तेंदुलकर को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है, और कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है तो किसका यूज किया जाएगा? ए आर्टिकल का यूज किया जाएगा। और हम क्या बोलेंगे? ही इज अ तेंदुलकर, कि वह कौन है? वह एक तेंदुलकर है, लेकिन वो तेंदुलकर नहीं है, तेंदुलकर की तरह खेलने वाला एक लड़का है, क्लियर? अब बात करते हैं आगे यूजेज नंबर 8 की। देखिए फ्रेंड्स, अब यूजेज नंबर 8 होने वाला है किसके ऊपर? यूनिट्स के ऊपर। जैसे आपने पढ़ा होगा डजन, लीटर, मीटर, अंडरस्टैंड, ऐसी जो यूनिट हैं उनके लिए हम आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरे पास एक दर्जन नोटबुक्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव अ डजन नोटबुक्स। तो डजन से पहले किसका यूज किया गया? ए का यूज किया, और ए क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ऐसी जो यूनिट्स हैं उनसे पहले भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, क्लियर? तो मैंने यहां पर क्या लिखना है? बिफोर यूनिट्स नेम लाइक डजन, किलोग्राम, लीटर, एक्सेट्रा, क्लियर? तो लीटर, मीटर, डजन, किलोग्राम, ये क्या है? यूनिट है, और इनसे पहले भी इंडेफिनेट आर्टिकल का हम यूज कर सकते हैं। कौन सी आर्टिकल? ए और एन आर्टिकल। अब ए का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, डिपेंड करेगा बार बार वही बात बता रहा हूँ किसके ऊपर? उस नाउन के साउंड के ऊपर, क्लियर? अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, और अभी अभी मैंने जो बोला वही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आई हैव ब्लैंक डजन नोटबुक्स, क्लियर? तो यहाँ पर डजन आ गया, मुझे यूज करना है क्या? ए और एन आर्टिकल। अब इसमें से मैंने देखना है ए को लगाना है या फिर एन को लगाना है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? नाउन के प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। तो यहाँ पर निकलता है डजन, डे, तो ये क्या है? हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड, और हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड है तो किस आर्टिकल का यूज किया जाएगा? ए आर्टिकल का यूज किया जाएगा। इसी तरह लीटर, मीटर, ये दिखाने के लिए, लेकिन वो क्या हो? एक हो, वन हो, अंडरस्टैंड, तो किसका यूज किया जाएगा? ए आर्टिकल या फिर एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा, क्लियर? अब बात करते हैं सबसे लास्ट वाला जो अपना यूजेज है, यूजेज नंबर 9, और 9 ही इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं किसके? इंडेफिनेट आर्टिकल के। इसी के साथ अपना जो पार्ट नंबर 3 है, डिटर्मिनर्स, इंडेफिनेट आर्टिकल, ये क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यूजेज नंबर 9, बिफोर अ सर्टेन स्पीड, अ सर्टेन हाइट, अ सर्टेन वेट,
एक्सेट्रा, एक निश्चित स्पीड बताने के लिए, निश्चित हाइट बताने के लिए, निश्चित वेट या भार बताने के लिए किसका यूज कर सकते हैं हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। क्लियर? कैसे? एग्जांपल यहां पर लेते हैं। ही यूजुअली ड्राइव्स हिज कार एट 80 किलोमीटर्स आवर। किसके अंदर? एक आवर के अंदर, एक घंटे के अंदर। तो क्या लगाएंगे? या तो फिर ए आर्टिकल या फिर एन आर्टिकल। यहां पर डिपेंड करता है इसका साउंड। आवर आ, ये क्या है? वोवल साउंड। तो किसका यूज किया जाएगा? एन का यूज किया जाएगा। देखते हैं जब इस सेंटेंस का मीनिंग निकालेंगे तो इस एन आर्टिकल या ए आर्टिकल जो हम यहां पर यूज कर सकते थे उसका जो मीनिंग निकलेगा वो क्या निकलेगा? ईच एंड एवरी, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रत्येक। या फिर निकलेगा पर, PER, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रति। वो देखें, ही यूजुअली ड्राइव्स हिज कार, कि वह लगभग रोजाना अपनी कार चलाते हैं एट 80 किलोमीटर्स की स्पीड से, 80 किलोमीटर्स की स्पीड से एन आवर, प्रति आवर, कि वह रोजाना अपनी गाड़ी 80 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से चलाता है, प्रत्येक घंटे की रफ्तार से चलाता है। क्लियर? तो यहाँ पर ए और एन आर्टिकल का जो यूज है एक सर्टेन स्पीड, सर्टेन हाइट, सर्टेन वेट को बताने के लिए और प्रति या प्रत्येक को बताने के लिए यूज किया गया है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपना जो ये वीडियो था इंडेफिनिट आर्टिकल का वो पूरा हो जाता है। और मुझे लगता है आज का जो वीडियो इंडेफिनिट आर्टिकल और इसके 9 करेक्ट यूजेज के ऊपर हमने बनाया, और साथ ही साथ आपको इंडेफिनिट आर्टिकल को इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, इसका यूज एक सेंटेंस के अंदर किस आधार पर किया जाता है और कहाँ पर इसका प्लेस होता है, ये भी मैंने आपको बताया। और मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपको आज समझ में आई होंगी, और स्टूडेंट्स शायद आप इन सभी बातों को दोबारा नहीं भूलोगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।